تو جو عز و عظمت کا مالک اور خالق ہے خداوند، تو جو دو جہانوں کا مالک ہے، آج کے سارے پروگرام کے لیے جو سردار سوسائٹی نے ارینج کیا، جو بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اس سوسائٹی کو اور بڑھانا اور خداوند انہیں بڑی توفیق دینا تاکہ یہ بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے اور بہتر کام کر سکے۔ سب حاضرین کو برکت دینا، جو دور نزدیک سے آئے ہیں، جو ٹریول کر کے آئے ہیں، انہیں باپ حاضر یہاں پر لے کے آیا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو پہلے خدا اس پروگرام کے شروع سے آخر تک ہمارے رام مل کرنا، تیرا شکر ہو تیرے نام سے مانگ کے پاتے ہیں۔ جلدی آؤ، ایکسپلوریشن، لرننگ اینڈ انسپائریشن تھرو آؤٹ دا ڈے، وی ول ڈیلو ان ٹو fascinating topics, exchange of learnings, valuable insights and total meaning. Basically, 1995 से हम लोग काम कर रहे थे, focus पंजाब में है, different thematic areas में expertise है, and जिस thematic areas से आज बात करने जा रहे हैं, local government service delivery के हवाले से। इस program में सुधार ने जैसा बात के अंदर आप लोगों के तावन से, आप लोगों की ग्रुप फॉर्मेशन के साथ जो हमारे कुछ हर प्रोजेक्ट के थी कुछ टारगेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सेकंड सिक्स यूनियन काउंसिल के अंदर आप लोगों के साथ मिलकर जो इफेक्टिव सिटीजन ग्रुप्स बनाए, देन हम लोगों ने यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर सिटीजन ग्रुप्स बनाए, फिर इनको इंटरलिंक करने के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, डेफिनेटली जितने भी जो लोकल गवर्नमेंट के जो यूनियन काउंसिल लेवल के जितने भी काम होते हैं और टैक्स लीक टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसमें हम लोगों ने मैडम आमना के साथ मिलकर, शहर के साथ मिलकर हमारी टीम ने डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ग्रुप बनाया और हमने उनको अपने जो टाइम फ्रेम था इसमें मंथली मीटिंग्स की, आप लोग को इंटरलिंक किया ताकि जो प्रोजेक्ट की क्वांटिटी और इफेक्टिव आउटकम्स इसमें टेंजिबल आ सके। सेमिनार हुआ सुधार का, तो मैं वहां पे गई और मेरी मुलाकात भी लोगों से हुई, तो फिर यहाँ पे चार दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उस ग्रुप में मैं आई और मैं बहुत सारी चीजें सीखी, ऐसे डिपार्टमेंट से मुतारफ करवाया उन्होंने जिनका मुझे नहीं पता था, और अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हम कोई भी मसला हो तो हमें पता होता है कि किस डिपार्टमेंट में हमें जाना है और कौन सा डिपार्टमेंट जो है इस मसले को हल कर सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी सुधार की जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है, हमें अवेयर किया है और बहुत सारी अवेयरनेस हम लोगों ने खुद डेवलप भी की है खुद में। और सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक हम किसी भी माशरे में रहते हैं तो अगर हमें बेहतर चाहिए तो पहले हमें खुद भी बेहतरीन बनना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सुधार ने हमारे अंदर डेवलप की और अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि मैं अपने इलाका से खुद भी एज अ इस साल जनरल काउंसलर की जो है वो इलेक्शन में आऊंगी और मेरी कावश है कि ये तरक्की का काम है और भलाई का काम है। तो जो चर्च में मैं भलाई का काम करती थी, अब मैं माशरे में सोसाइटी के जो भलाई के काम है वो भी खिदमत में सर अंजाम दूंगी। बहुत शुक्रिया। जब मैं काउंसलर बना था उस वक्त बहुत से इलाकों की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, मगर अपने मिनोर में चलते हुए हमने दोबारा जब लग प्रोजेक्ट का अनाउंस हुआ और लग प्रोजेक्ट के सामने हमने आगे काम करना शुरू किया, तो इन ट्रेनिंग्स में मैंने ऐसा जिले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेंबर में आया और यूसीसी जूनियर बॉस एडवोकेसी ग्रुप में आया और हमें इस चीज के फिर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली जो हमारे लिए कारामद साबित हुई। हम अपनी कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने मिलकर बहुत सी एक्टिविटीज की जिसमें हमारे इलाका के यूनियन काउंसिल के मसाइल से उनको हल करवाया और मैं ये समझता हूँ हमें कम्युनिटी में भी बहुत सा शौर आया। हम ट्रेनिंग की सूरत में हमने अपने इलाका के मसाइल को हल करवाने के लिए FWMC, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, FDA, उनके तामन से
हमें हमारे इलाका के जो मसाइल हो रहे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज थे, सीवर्स के इश्यूज थे, इलाका के पार्क का इश्यू था, सरकारी डिस्पेंसरी से, तो हमें यही होता था कि भी पता नहीं हम अपने सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। मगर थ्रू सुधार सोसाइटी और लाइट प्रोजेक्ट हमारा जो एक गैप था वो क्लियर हो गया और उसमें हमें बहुत से जो हमारी एक इंफेक्शन बन गई और डिपार्टमेंट में बिना डर ऑफ हम फिर जाते हैं और अपना काम करवाते हैं। और मैं इस नायक मशहूर हुई और सारा कुछ बताते हुए इस चीज पे खुशी महसूस करता हूँ कि लाइट प्रोजेक्ट इस तरह के प्रोजेक्ट और भी आने चाहिए ताकि हमारे नौजवान नस्ल को आने वाले हैं वो इससे बेहतर माशरे को तशकील दे सके। इस तकरीब का एक मकसद ये भी है, एक हम सेलिब्रेट करें कि हमने जो अचीवमेंट्स की है वो आप सबके साथ मिलकर की है और उसको सक्सेसफुल एक कामयाब प्रोजेक्ट बनाया है। और इसके साथ साथ हम कुछ आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि हमारी इससे लर्निंग क्या हुई, हमने क्या सीखा है और इसके बाद हम क्या प्लान कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं एज शहरी और कुछ जिम्मेदारियां जो है हमारी ऑफिशियल्स की हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कि उन्होंने आपके साथ फ्यूचर में काम कैसे करना है। जिसके बेसिस पर हमारे स्टेक होल्डर्स की आधार की जाएगी, उनसे इनपुट्स ली जाएंगी और अगर किसी भी सवाल आते हैं वो एड्रेस होंगे। हम कवर को रेडी है क्योंकि इनपुट से हमारे ब्लॉक सी जनता और इम्प्रूव हो गए और उसको प्रोविंशियल लेवल पे आगे लेके जाएंगे। उसके बाद हमारे चंद लर्निंग क्वेश्चन कि इस तरह की इनिशिएटिव को लोकल गवर्नमेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए फ्यूचर में कैसे लगाया जा सकता है और उस पे हमारे पैनल मेंबर्स हमारे साथ बैठ के बात करेंगे और उसके बाद हम कीनोट स्पीच के बाद इस तकरीब का इख्तिताम लंच पे करेंगे। तो इसके साथ मैं दावा देता हूँ कि भी डीआई की तरफ से कि वो प्रोजेक्ट के हवाले से ग्रीन हाईलाइट्स और अचीवमेंट्स के आपको बताएं और जो भी हमारी लर्निंग जर्नी है उसके हवाले से आपके इन्फॉर्म करें और आपके रिक्वेस्ट हैं टारगेटेड यूनियन काउंसिल्स के अंदर फिर वो किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई हुए और किस तरह से जो कमेंट्री ने जो है अपना रोल जो है उसमें प्ले किया। थोड़ा सा मैं अपना जो है शेयरिंग करना चाहूंगी क्योंकि इस समय ने भी बताया थ्रू आउट जितनी ट्रेनिंग्स थी एज अ कंसल्टेंट में जितने यहाँ पर कुछ लोग जो है या चेहरे जो है काफी मुझे नजर आ रहे हैं जो ट्रेनिंग में यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज थी सुधार के उसमें शामिल रहे हैं तो उसमें जनरल पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे की इश्यूज जो थे वो सामने निकल कर आए तो स्पेसिफिकली मिनॉरिटी फेस कर रही हैं जो चैलेंजेस इनको फेस करना पड़े उसमें खासतौर पर सीविक इश्यूज के अंदर देखते हैं तो सुधार के इश्यूज थे, डिस्पोजल्स के इश्यूज थे, फिर उसके साथ साथ साफ पानी का जो इश्यूज है। लोकल बॉडी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से निजाम चल रहा है और उसको पूरी वो उसको पावर्स दी गई है, उसको सारे अख्तियार हैं और मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मेरी अपनी बेटी ब्रिटिश कॉन्सुलेट इलेक्ट हुई थी और वो जिस तरह से हर तरह किरदार वहाँ अदा कर रही है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये तमाम जो वहाँ के इश्यूज होते हैं सड़कों के, रोड्स के, ये वहाँ बड़े अच्छे तरीके से लोकल बॉडी हल करती है, लोकल बॉडी सिस्टम हल करता है। लेकिन हमारे मुल्क में ये अलविया है कि ये हमारा सिस्टम जो है ये सियासत की नजर में है। आपको भी पता है कि हर दफा कोशिश की जाती है कि ये सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाए और अपने तौर पर काम करे लेकिन बदकिस्मती से कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि इसको खत्म कर दिया जाता है और रोल बैक कर दिया जाता है। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब हमारी हुकूमत PNLM की दोबारा आई है और मरियम नवाज साहिबा जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो इस मामले को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और उन्होंने बकायदा इसका ऐलान भी कर दिया गया है और उसके लिए कमेटियां भी बना दी गई हैं जो कि इस लोकल बॉडी सिस्टम को देखे और उसके रिफॉर्म्स और जो बेहतरी लानी है उसकी तजावीज को पेश कर सकती है। उसने अपना काम भरपूर अंदाज से किया जिसके लिए मैं समझता हूँ जितने आपके यहाँ पे छह यूनियन काउंसिल्स के लोग बैठे हुए हैं आज सेलिब्रेशन है, सुंदर होने की बात है, खुशी की बात है, क्लैपिंग करें यहाँ। खुशी से मैंने
गवर्नमेंट लॉ, लोकल गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज। तो हमारी साजिश और हमारा यूं समझ लें कि अब ये चाह रहे हैं, एस्पिरेशन ये है कि हम अपनी तरफ से एक पायलट करके एक छोटा सा प्रोग्राम आपको सक्सेस बता सकते हैं उसमें, जो कि आपने खुद यहाँ पे कहा भी कि हमारी तरफ से जो काबिश हुई उससे भी बहुत बेहतर रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसी को आगे बताने की ख्वाहिश जो है उसमें यह है कि मैंडेट जो है वो मुतल्लिका इदारे के पास, इदारे को आपने बताया कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ओवर बर्डनाइज है अपने साथ, उसके बावजूद आपके पास ये मैंडेट है कि आपने उनकी अवेयरनेस के लिए ना कि सिर्फ अपने लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स की बल्कि कम्युनिटी के मास अवेयरनेस के लिए काम करना है। उसके लिए गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप हमें ये बताएं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें हमारी मदद भी दरकार हो सकती है या इदारा अस खुद उस पर भी ऐसा काम कर सकता है।